दोस्तों आखिर वो समय आ गया है, हमें एक प्रॉपर हाइट मिल गई है जहाँ से अगर हम कूदेंगे तो खेल ख़त्म हो जाएगा। और इसकी वजह है वो चंद नीच लोग जिनकी वजह से हमारा मनोबल टूटा है। हमने इतनी प्योर इंटेंशंस के साथ व्लॉग बनाने शुरू करे थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद अब लास्ट व्लॉग पे इतने नेगेटिव कमेंट्स आए हैं कि सब ख़त्म हो गया। नाइस डूइंग बिजनेस विद यू। जितनी भी मेरी फीमेल फैंस हैं उन सब के लिए एक चीज़ करना चाहूँगा मैं लास्ट में। चलो क्या है ये, तो बहुत कम हाइट निकली, पैर और मुड़ गया। दोस्तों कूदने से हमारा पैर मुड़ गया है। मेरी भी कर दे। मेरी भी हो गई। चलो अब सही हो गई। तो अब हम जा रहे हैं नैनी पीक से नीचे, फिर हम जाएंगे दिल्ली। दोस्तों अभी हम नीचे जा रहे हैं और जो लोग ऊपर जा रहे हैं ना उनका मनोबल डाउन कर रहा है। ये कह रहा मुझे, हर किसी के सामने कह रहा हूँ, अगर मुझे पता होता यहाँ के बाद भी 4 किलोमीटर है मैं कभी नहीं जाता। और यहाँ से बस मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता है। और वो आपस में शक्लें देखते हैं एक दूसरे की और फिर खुश खुश करके बातें करते हुए जा रहे हैं। उनको सच में लग रहा है कि बहुत टाइम लगेगा और मैं रुकता भी नहीं, जो मुझसे पूछने का मैं मौका भी नहीं देता उन्हें, मैं तुरंत निकल जाता हूँ बोलता हूँ। तो दोस्तों हमें वहाँ जाना है और रास्ता इधर से बड़ा लंबा सा रास्ता है, तो मैं एक शॉर्टकट लेने वाला हूँ। देखा दोस्तों मैं कितनी जल्दी आ गया। दोस्तों काश इंसान के शरीर में भी एक हैंड ब्रेक हुआ करता जो हम यहाँ पहाड़ों से उतरते हुए लगा पाते। ये देखो एबीबास के जूते पहनने का नतीजा। एबीबास नहीं है, एडिडास है। ये कैसे जूते बनाए एडिडास ने? इसे उखाड़ ही दे रहा पूरा। जो पत्थर चुभे पैरों पे तो जूता उतार के रख लेना यार, गले में डाल ले ट्यूबलाइट की तरह। ये देखो दोस्तों घटिया जूते एडिडास के, ऊपर भी तो था वो, उस पर लिखा हुआ था एयरडास। दोस्तों अभी ना शराब टीवी बिल्कुल बिसर गए थे और नीचे बैठ गए थे पूरा। अल्ट्रा ट्रैकर मोड चालू। कैसे जूते हैं ये बताओ, थोड़ी सी चढ़ाई का चढ़ी खराब हो गए और खरीद पाली का जा और जा। और ये हुडी भैया अगर ये देख रहे हैं तो इसने पूरी गंदी कर दी है। तो भैया की नहीं है, मेरी हुडी है, भैया ने ली है। तो वो मुझे क्यों बोल रहे हैं कि ठीक से ले आइए? क्योंकि उन्होंने हड़प ली थी मुझसे, दो मंगाई थी मैंने, एक ब्लैक कलर की और एक ये। दोस्तों पूरे 3.25 घंटे बाद हम लोग जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था हम वहीं आ चुके हैं। हालत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब है और मेरे जूते की भी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। तो दोस्तों अभी हम आए हैं, ये कोई पॉइंट है जहाँ से कहते हैं कि ये बड़ी ठंडी ठंडी एसी जैसी हवा आती है। तो दोस्तों ये है वो पॉइंट, यहाँ से आती है ठंडी ठंडी हवा और सच में आ भी रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है पर आ रही है। इसे देख के तो कुछ याद आ गया मुझे। क्या याद आ गया? दिखा उधर, सब समझ जाएंगे। मतलब तुझ जैसा बेशरम इंसान नहीं देखा मैंने। गुफा यार, केव याद आ गई यार। दोस्तों आज फिर से आ गए हैं चिकन मोमोज खाने के लिए। रोटी पानी कहाँ मिलेगा? रोटी पानी तुझे खिलाऊंगा, रोटी पानी। यहाँ बहुत सी चीजें आपको मिल जाएंगी। चीज कह रहा था मतलब सामान। ये मेरी फीमेल फॉलोअर्स को कुछ चाहिए, क्या क्या सामान मिलेगा? कुछ फीमेल फॉलोअर्स को कुछ चाहिए या मेल फॉलोअर्स को तो या बता देना, मैं ले आऊँगा। ठीक है, तो वहाँ के मोमोज में मज़ा नहीं आया इसलिए हम दोबारा दूसरी जगह पे खाने आए हैं। ये है सोनम के मोमोज। सोनम के मोमोज ये देखो, इतनी बड़ी प्लेट में चटनी ऐसी डाल के दे दी, सारे लूट लेते हैं। देखो ऐसे हाथ, चारों के ऐसे हाथ आए हैं। नमाज पढ़ ले भाई मस्जिद सामने, क्या कर रहा है यार, बिल्कुल दीन का कोई ख्याल ही नहीं है। जा तो रहा हूं। चलो दोस्तों नैनीताल में आके भी नैनीताली बिरयानी की जगह मुरादाबादी बिरयानी खाता है। रोटी पानी मिल जाएगा भाई, 4 क्वार्टर मुरादाबादी बिरयानी कर दो और बाकी का भी बताते हैं थोड़ी देर में। इतने में हो जाएगा? हाँ मेरा तो हो जाएगा, बाकी तुम बताओ। वो
दोस्तों वहाँ पर थे हम, वो है नैनी पीक। हॉर्स राइडिंग करने का मन कर रहा है दोस्तों। दोस्तों ये जगह है सुसाइड पॉइंट और लवर्स पॉइंट भी ये कहलाती है, क्योंकि सेम ही बात है, अगर आप प्यार कर लेंगे तो सुसाइड के बराबर है। मेरा कहना ये है कि एक बार तो तुमने गलती कर दी है ब्लॉग पे उल्टे सीधे कमेंट करके। इस ब्लॉग पे उल्टे सीधे कमेंट आए तो मैं वापस इधर आऊँगा और तुम्हें फिर पता है कौन सा पॉइंट है। लुक एट द व्यू दोस्तों, वाओ, फैबुलस, फैंटास्टिक, ब्रिलियंट, ब्रेथ टेकिंग, अमेजिंग, सरियल, सरियल, ऑसम, अवेसम, हैंडसम, हैंडसम, प्रिटी, फ्लैबरगास्टिंग, फ्लैबरगास्टिंग, एक्सक्विजिट। जो लोग एसएससी और यूपीएससी की कोचिंग कर रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो वो आदाब एंड सन्स कोचिंग क्लासेस को कॉन्टेक्ट करें। वेरी नाइस व्यू दोस्तों, ये देखिए क्या क्या तो पीक है, मतलब बेहतरीन। तो चलें बॉयज। यस सूर्य, नहीं यस मार्स, चलो आओ, ज्यादा आ जाओ। हॉर्स स्टैंड मल्लीताल नैनीताल, हॉर्स स्टैंड अच्छा है। अबे देख तो ले आदिल, कितना बड़ा पत्थर है देख। हाँ यार बहुत बड़ा है। कार देख कितनी छोटी सी लग रही है, उठा लेगा इसको? यार ऐसे तो नहीं उठ पाएगा, लेकिन कॉफी पी के उठा लूंगा। दोस्तों ये देखो क्या प्यारा सनसेट है, ये देखो। अरे ओए तेरी वीडियो बन गई है यार। अरे पेशाब कर रहा हूँ। मैंने तेरे फोन पे अपना अकाउंट नंबर सेंड कर दिया है, 50,000 रुपये आ जाने चाहिए, नहीं तो तेरी मूतते हुए वीडियो वायरल कर दूंगा। आदिल बहुत भारी चल दिया। दोस्तों आज हमने उत्तराखंड को बचा लिया, वरना ये लैंडस्लाइड हो जाता है, पत्थर गिर जाता। शोल्डर की एक्सरसाइज कर लेंगे उठा के, शोल्डर प्रेस। और अभी हम हो चुके हैं दिल्ली के लिए रवाना। दोस्तों अभी इस लैंडस्लाइड से हम बचे हैं, अभी एक गाड़ी नीचे गिरी है हमारी भी आंखों के सामने, हम इतने से बचे हैं दोस्तों, बाल बाल। और उसमें मेरा कोई फैन था, कह रहा राजा बचाओ, राजा बचाओ। मैं बचा ही नहीं पाया। ओए आदिल, आदिल दोस्तों, आदिल गुस्सा हो गया, गाड़ी छोड़ के चला गया, कार में वापस भी आ रहा है, देखो वहां घूम रहा है रोड में। ये देखो आदिल, आजा भाई। आई थिंक आई डाउनलोडेड द रॉन्ग अदर। ओ बेटे परफॉर्मेंस चले गई। और अशरफ अली अभी अशरफ अली हिल चला तो। आदमी का सबसे बड़ा मजहब है अपनी बीवी और बच्चों की हिफाजत करना। तुम्हें इस्लाम कबूल है? काशी काबा एक है, एक है राम रहीम। तुम्हें इस्लाम कबूल है या नहीं? क्या हो गया, रुके हुए तो बेटो, लड़ाई हो गई। अब साकिना बेगम भी तो दिखाओ। दोस्तों बड़े ही गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि आदाब बैंड की पहली लाइव एक्सक्लूसिव परफॉर्मेंस सिर्फ शादाब टीवी के व्यूअर्स को मिल रही है। ये देखिए, ये जनरेटर का किराया दे दिया क्या? शादी में पार्टी व जन्मदिन वह मरने के 13वीं के ऑर्डर के उसके परफॉर्मेंस के लिए हमको कॉन्टेक्ट करें। दोस्तों दिल्ली जाते समय थोड़ा सा मन में आया कि थोड़ा आइसक्रीम वगैरह कुछ हो जाए, तो हमने बादाम शेक मंगा लिया है। दानिश वाओ, अवेसम लग रहा है ये तो। फैंटास्टिक। दोस्तों इतना टूटा हुआ रास्ता है, ये जो भाई साहब है ड्राइवर, ये पटवारी बने फिर रहे हैं जब से हम दिल्ली से निकले हैं और नैनीताल में, और नैनीताल से वापस दिल्ली तक ऐसा पटवारी बन रहा था कि सारे रास्ते जानता है। मैप की जरूरत नहीं है, मैप नहीं लगाओ, दिमाग मत खराब करो। अब मैं सारे मुक्का मार के दांत तोड़ूंगा। अब मैप नहीं लगाया तो हम ऐसे टूटे हुए रोड पर आए, और अब आके मैप लगवाया भाई साहब ने, अब क्या फायदा, अब तो फंस गए।
खुद तो भोर में लग के लड़की उसे पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा है पीछे। मुझे दिल भूख लग रही है भाई, कुछ तो खिला दे यार। तो क्या खाएगा बोल यार। यार मैं सोच रहा था पिज्जा खा लूं। पिज्जा हट देख उधर। अच्छा पिज्जा हट, ये वाला क्या? अच्छा हाँ यही यहाँ खा लूंगा, ठीक है। क्या बात है भाई, किस बात की खुशियां मना रहे हो हैं? अच्छा शादी है। दोस्तों हम घर पहुंच गए और इसको एक कोलैब आया है अभी 180 रुपये। मेरे को पता नहीं है मैं कितना बड़ा स्टार हूँ, होने वाला 180 रुपये का कोलैब मुझे दे रहे हैं। कर लेना भाई कोलैब, 180 रुपये कम थोड़ी होते हैं। तुम सबको लगता है मैं 180 रुपये में कोलैब करूँगा? जिसने ये भेजा है ना उसकी